स्वागत है आपको सिलड़ी में। वेलकम जताते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। खासतौर आप लेडीज से, लेडीज को रेस्पेक्ट तो एक जन्मगत रेस्पेक्ट से, रेस्पेक्ट का भागीदारी होती है, तो सिलड़ी में आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय। नमस्ते, मेरा नाम भारिक सेतु शर्मा है। मैं गुजरात से आई हूँ और जानवरों को बचाने का काम करती हूँ। पूरे भारत देश में हमारी टीम है 3100 लोगों की। पिछले 13 साल से ये जीवन जानवर और लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया है। और लेडीज़ को ये बोलूँगी कि कुछ भी करे सोच समझ के करे, कोई आपकी कंपटीशन नहीं है। किसी को भी, कोई मेल है या दूसरी फीमेल है, उसको अपना कंपटीशन मत मानो। जो आपको आता है उसको अच्छे से तरीके से करना है। एक डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रीडम और अच्छी फ्रीडम में, कि घर से फ्रीडम मिली है तो उसका कैसे अच्छे से उपयोग करें, और ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे या फेमिनिज्म के नाम पे किसी लड़के को भी डरा के रखें और खुद भी कुछ गलत ना करें। औरतों के हाथ में ये है कि हम अच्छे से एक परिवार बनाएं, एक दुनिया अच्छे से देश चलाएं, वो हमारे हाथ में है, वो हमें करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैडम, आप जो बोली फ्रीडम, फ्रीडम को तो हर किसी को ही चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। और आप जो बोली फ्रीडम को गलत तरीका से यूज ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया में लेडीज को एक कानूनन अधिकार या प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसी का नाम में कुछ लेडीज इसको मिसयूज भी कर रही है और फ्रीडम बोल के कुछ फ्रीडम को गलत तरीका से भी यूज कर रही है, तो इसके बारे में दोस्तों आप क्या सजेस्ट करना चाहती हैं? मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। पहले उस लायक हूँ या नहीं वो देखने के लिए, मैं वडोदरा सेंट्रल जेल, जो सेंट्रल जेल होता है उसमें वुमेन प्रिजनर्स, जो महिला कैदी होते हैं, उनके काउंसिलर हूँ। तो जब मैं उन कैदी अपराधी बहनों से मिलती हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने कितना गलत किया है किसी पे भी। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो किसी आदमी के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन एक स्त्री अगर किसी को आगे बढ़ाना चाहे ना तो वो चांद पर भी पहुंच सकती है, और अगर स्त्री कुछ गलत करना चाहे तो वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि अब लड़के डरते हैं लड़कियों के पास आने से, कि अगर हम जाएंगे तो हमें अगर बोल दिया कि हमने छेड़ दिया उनको या हमने उनको टच कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट वुमेन कि पावर मिलता है ना तो उसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल बनना बहुत आसान है, एग्जाम्पल हर कोई बनता है, टेररिस्ट भी एग्जाम्पल बनता है, कुछ अच्छा काम करने वाला भी एग्जाम्पल बनता है। आपको कैसा एग्जाम्पल बनना है सोसाइटी में वो बहुत ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट कि एक अच्छा उदाहरण बनिए खुद के लिए, खुद के लोगों के लिए, बाकी उदाहरण तो बहुत घूम रहा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरी, ईच एंड एवरी गर्ल, रिस्पेक्ट बॉयज, रिस्पेक्ट मैन इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट। अगर आप इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, वरना नहीं। थैंक यू वेरी मच।